घर से होने वाला है शॉकिंग एलिमिनेशन, लेकिन इसकी पावर मिली है एक्स कैप्टन और करंट कैप्टन को। जी हाँ, काफ़ी बड़ी पावर दे दी गई है सिर्फ और सिर्फ कैप्टन के हाथों। और ये सिर्फ एलिमिनेशन नहीं बल्कि नॉमिनेशन भी डिसाइड करेंगे और एलिमिनेशन भी करेंगे। जी हाँ, काफ़ी शॉकिंग है ये, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल बिग बॉस 17 के घर में जहां इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन हुआ नील भट्ट और रिंकू धवन का, तो वहीं दूसरी तरफ एक और एलिमिनेशन हुआ है। जी हां, जैसा कि हर मंडे को होता है नॉमिनेशन टास्क, इस मंडे भी हुआ नॉमिनेशन टास्क, लेकिन घर वालों को नहीं मिली पावर। सिर्फ और सिर्फ 3 कंटेस्टेंट आवरा, मुनावर और ईशा को मिली है पावर। जी हाँ, सबसे पहले तो इन्हें डिसाइड करना है कि वो ये करेंगे किसको नॉमिनेट। हालांकि इन्होंने नॉमिनेशन डिसाइड किया, ईशा ने लिया आयशा का नाम, औरा ने लिया अभिषेक का नाम, तो मुनावर ने लिया अनुराग का नाम। इसके बाद बिग बॉस ने दे दी एक बड़ी पावर। जी हाँ, बिग बॉस ने कहा कि जब नॉमिनेशन डिसाइड कर ली है और इतनी भीड़ है तो आप लोग एलिमिनेशन भी खुद ही डिसाइड कर लीजिए। जी हाँ, फिर तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को बुलाया गया एक्टिविटी एरिया में, जहाँ पर इन्हें खड़ा कर दिया गया एक बॉक्स में, जिसके बाद वही 3 कैप्टन से पूछा गया कि आप किसको करना चाहते हैं एलिमिनेट, जिसमें मुनावर का नाम था अनुराग, तो दूसरी ओर आयशा को लिया था ईशा ने नाम, औरा ने लिया अभिषेक का। लेकिन बिग बॉस का कहना था कि आपको आपसी सहमति करते हुए किसी एक का नाम लेना है। जैसा कि आप जानते हैं, एक रात पहले ही अनुराग और मुनावर की काफ़ी भयंकर फाइट हुई है, जहां अनुराग ने चुगली की थी आयशा की कि मुनावर आपके जाने पे हंस रहा था। जी हाँ, और अब अनुराग का हो गया है शॉकिंग एलिमिनेशन, जिसपे अनुराग का कहना है कि इस घर में सब के सब दोगले हैं। और ये एलिमिनेशन की पावर, इतनी बड़ी पावर दे दी गई है कैप्टन्स के हाथों। फिलहाल आपका क्या कहना है इस एलिमिनेशन पे, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।